मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 22 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, आप मुए मर गई दुनिया, बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना, एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आप मुए मर गई दुनिया, बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना, एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है, और उत्तर में बाबा समझाते कि किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, यह स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, सबका मौत होना है। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते और बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता है। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार ही नहीं। द्वापर से फिर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। मुरली का गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। यह तो मनुष्य मात्र जानते हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान है। भगवान को हमेशा परमपिता परमात्मा कहते हैं, और उनका ऊंचा नाम भी है, ऊंचा ठाव भी है। सबसे ऊंच मूल वतन में रहते हैं। अब जबकि गॉडफादर कहते हैं तो जरूर बच्चे ही ठहरे। ऐसे तो नहीं कह सकते कि हम फादर हैं। सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर हो जाते। उनको तो हमेशा परे ते परे परम धाम में रहने वाला परमपिता परमात्मा कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवत, इसलिए सब भक्त उनको याद करते हैं। कहते भी हैं कि भगवान को ही भक्तों को भक्ति का फल देने यहाँ आना पड़ेगा। वह बाप है स्वर्ग का रचयिता, क्रिएटर जरूर नई दुनिया ही रचेंगे, तो वह आएगा कहाँ? क्या पतित दुनिया में या पावन दुनिया में? देखो, यह बात अच्छी रीति धारण करने की है। तुम कोई छोटे नहीं हो, शरीर के ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। तुम जानते हो, सभी बाप को याद करते हैं, समझते हैं कि यहाँ दुख है, हमको ऐसी जगह ले चलो यहाँ सुख शांति हो। ड्रामा अनुसार बाप को आना ही है, बनी बनाई बन रही, इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगती है, चार युग फिरते रहते हैं। कलयुग के बाद होता है संगम युग। कलयुग और सतयुग के बीच का यह है कल्याणकारी धर्माओ युग। यह है पुरुषोत्तम युग, अर्थात उत्तम ते उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। इस युग जैसा उत्तम युग कोई होता नहीं। सतयुग त्रेता का संगम युग कोई ऊंच नहीं है, उसमें तो दो कला सुख की कम होती है। इस संगम युग की ही महिमा है। तुम जानते हो, बाप तो है ऊंचे ते ऊंचे। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। बच्चे कितनी भूल करते हैं, परंतु भूल भी ड्रामा अनुसार होनी ही है। मैं फिर आकर अभूल बनाता हूँ। बाप कहते हैं, मुझे तुम ऊंचते ऊंच भगवत कहते हो, मैं फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तब तो भक्त याद करते हैं। लेकिन सर्वव्यापी कहने से मिट्टी में मिला दिया है, तो खुद भी ऐसे कंगाल दुखी हो गए हैं। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, मैं तो परम धाम ब्रह्मांड में रहता हूँ, तुम भी वहां रहते हो और फिर यहाँ आते हो पाठ बजाने। जानते हो, ब्राह्मण है ऊंचते ऊंच चोटी, तो ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा की क्या निशानी रखेंगे? वह तो एक स्टार है, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा। चमकता है भ्रकुटी के बीच में अजब सितारा, आत्मा का रूप है ही स्टार। यह बना बनाया ड्रामा है,
इसमें सभी आत्माएं ब्रह्मांड निराकारी झाड़ में रहती हैं, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। आत्माएं निराकारी दुनिया स्वीट होम से आती हैं। अभी तो दुख धाम है, कितने पार्टीशन है। सत्यु में कोई पार्टीशन नहीं था, भारत ही ऊंच खंड था। बाबा को सत्य कहा जाता है। बाबा कहते हैं, मैं सच खंड स्थापन करने आता हूँ तो जरूर नई दुनिया स्थापन कर, पुरानी दुनिया को मिटाना पड़े ना। अभी दुख के तो पहाड़ गिरने वाले हैं, किनकी दबी रहेगी धूल में। वह भी समझते हैं कि हम जो बॉम्ब्स बनाए आपस में आंख दिखाते हैं तो आखिर खात्मा तो जरूर होना है। परंतु पता नहीं कौन प्रेरक है जो ऐसी चीजें बनवा रहे हैं। गीता में भी है कि पेट से मूसल निकले, यह है सारी बुद्धि की बातें। बॉम्ब्स निकालते हैं अपने नेशन का विनाश करने। यादव कौरव पांडव तीन सेनाएं है ना, यादव कौरव लड़कर खत्म हुए, बाकी कौरव पांडवों की कोई लड़ाई नहीं होती। तुम्हारी कोई से युद्ध नहीं, तुम हो योग बल वाले राज ऋषि। सन्यासी हैं हठ योग ऋषि, वह शंकराचार्य और यह शिवाचार्य। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे, वह अब नॉलेज ले रहा है फिर से सो श्री कृष्ण बनने के लिए। यह राजधानी स्थापन हो रही है, तुम पतित कांटों से दैवी फूल बन रहे हो। गीता में भी सुना कि आओ अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करो। गाया भी जाता है पतित पावन, वही सतगुरु है जो तुमको नर से नारायण राजाओं का राजा बनाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, यह पाठशाला है ना, इसमें हम नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। स्कूलों में एम ऑब्जेक्ट होती है ना, तुम बाप के पास आए हो बेहद का वर्षा लेने, वहां का वर्षा यहाँ लेना होता है। वह है ही सुख धाम और यह है दुख धाम। गीत में सुना कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, तुम बच्चे हो ना, कोई 25 वर्ष का कोई 20 वर्ष का। बाबा कहते हैं एक दिन का बच्चा भी वर्षा ले सकता है। बेहद का बाप फिर भारत को हीरे जैसा बनाने आया है। सत्युग में कितने हीरे ज्वारों के महल थे, बात ही मत पूछो। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पतित राजाएं बैठ सोमनाथ जैसा मंदिर बनाते हैं। राजाओं के पास मंदिर होते हैं, आजकल तो बहुत ही मंदिर बनाते रहते हैं। सबसे मुख्य मंदिर किसने बनाया होगा? जो पूज्य से पुजारी बनते हैं जरूर उन्होंने ही बनाया होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, यह महिमा परमपिता परमात्मा की नहीं है। उनकी महिमा तो सबसे न्यारी है। हर एक मनुष्य की महिमा अलग होती है। ऊंच से ऊंच महिमा है बाप की, जिससे तुम 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। फिर द्वापर से लेकर तुम लौकिक बाप का बच्चा बन जैसे जैसे कर्म करते हो ऐसा जन्म लेते हो। धन दान करने से एक जन्म अल्पकाल सुख का वर्षा मिल जाता है। राजाएं भी तो रोगी बनते हैं ना, स्वर्ग में तुम रोगी नहीं बनते हो। तुम्हारी एवरेज 150 वर्ष आयु रहती है, कितने हेल्दी रहते हो, बीमारी दुख आदि का नाम ही नहीं। शिव बाबा बच्चों के लिए सौगाते हैं, इसको हथेली पर बहिष्ट कहा जाता है। पुरुषार्थ करना चाहिए, चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो चाहे साहूकार प्रजा। एम ऑब्जेक्ट तो है श्री कृष्ण जैसा बनना, बाकी श्री कृष्ण वाच तो कभी हुआ ही नहीं है। यह है भगवान वाच, समझाया जाता है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अर्थात स्वराज्य प्राप्त करने के लिए। शास्त्रों में तो बड़ी कहानी लिख दी है, बाप पर बलि चढ़ने से बाप फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाप तुम बच्चों को ऊंच से ऊंच बनाते हैं, ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मांड के मालिक ठहरे ना, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाने के लिए आता हूँ। तुम कहते भी हो पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ। फिर सर्वव्यापी कैसे ठहरा? सदगति दाता पतित पावन तो एक ही बाप है,
इस समय सभी तमो प्रधान बन गए हैं। सतो रजो तमो से सबको पास करना ही है। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर तमो प्रधान बनती है। सत्यु में भी देवी देवताएं सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो, राम राज्य क्षत्रिय, फिर रजो में वैश्य, तमो में शूद्र वर्ण भी है ना, विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। बाप और ब्राह्मण गुम कर देते हैं। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचो, क्योंकि तुम भारत की ऊंच सेवा करते हो। तुम हो श्रीमत पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान की मत मिलती है, जिससे तुम भी श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो श्री श्री शिव बाबा द्वारा। फिर माया का प्रवेश होता है तो तुम आसुरी बन पड़ते हो। कल्प कल्प बाबा ऐसे आकर समझाते हैं। बाबा ने ज्ञान का कलश तुम माताओं पर रखा है, मनुष्य से देवता बनाने। सन्यासी तो माताओं को नरक का द्वार समझते हैं, निंदा करते हैं और फिर आकर उन्हीं माताओं से भीख मांगते हैं, तो फिर कर्जा चढ़ जाता है। इसलिए पुनर्जन्म फिर भी गृहस्थियों पास ले फिर सन्यास करते हैं। पुनर्जन्म नहीं लेते तो फिर इतने ढेर सन्यासी कहां से आते। भारत पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। बरोबर देवताओं के आगे महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, और फिर अपने को कहते हैं मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। सर्वगुण संपन्न यह शिव बाबा की महिमा नहीं है, यह देवताओं की महिमा है। परंतु पूरा ज्ञान ना होने के कारण राम सीता के आगे भी यह महिमा कर देते। शिव जयंती मनाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तो बाप कहते हैं तुम्हारा अब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। देवताओं को तीसरा नेत्र होता ही नहीं। चित्र में देवताओं को दिखाते हैं परंतु वास्तव में है तुम्हारा। परंतु तीसरा नेत्र खुला फिर बंद भी हो जाता है। आश्चर्यवत सुनंती पशंती, औरों को सुनावंती, फिर भी भगंती हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माया से हारते हैं। बाप युद्ध कराते हैं पांच विकारों पर जीत पहनाने के लिए। बाकी और युद्ध तो है ही नहीं। तुम अभी हो ब्रह्मावंशी, फिर बनेंगे देवता। अभी शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में आए हो। इस समय सृष्टि का चक्र पूरा बुद्धि में है, नाटक पूरा होता है। बाप ले चलने के लिए आए हैं। माया ने सबको पतित बनाया है। अब बाप कहते हैं योग अग्नि से तुम विकर्मा जीत बनो। इसमें मेहनत है और कुछ नहीं करना है, बाप को याद करना है। बाबा हम आपके थे, आपने हमको फिर सत्युग में भेजा, पुनर्जन्म सत्युग में लेते रहे, फिर त्रेता में आए तो पुनर्जन्म त्रेता में लिए। इसको भी बाप कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम बताते हैं मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं हो सकती। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों ने तुम्हें घोर नींद में सुला दिया था, अब बाप ने तुमको जगाया है। तुम जागकर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम छोटे बच्चे हो, कोई 3 मास का, कोई 4 मास का। तुम ईश्वर के बनते हो तो फिर आप मुए मर गई दुनिया। बाप का बनते हो तो देह अभिमान टूट जाता है। बाप कहते हैं शरीर में रहते हुए, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। सत्युग में तुम पवित्र संबंध में थे, अब अपवित्र ग्रस्त धर्म वाले बने हो। तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। भक्ति भी तुम शुरू करते हो, पूज्य से पुजारी तुम बनते हो। पहले तुमने अव्यभिचारी भक्ति की, अब भक्ति भी व्यभिचारी बन पड़ी है, और फिर तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप को आना भी संगम युग पर होता है। युगे युगे कहने से करके 4 युग कहो ना, फिर 24 अवतार। कच्छ मच्छ अवतार कैसे हो सकेंगे। गॉड इज वन, रचयिता भी एक है, तो उनकी रचना भी एक है। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति, माता पिता मदा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है स्वराज्य के लिए बाप पर बलि चढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है, पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। और सेकंड पॉइंट है बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वह सदा खुला रहे, माया की प्रवेशता ना हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है। योग अग्नि से विकर्माजीत बनना है। बाबा ने आज वरदान दिया है कि सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भव। नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाओ। किसी भी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव ना हो। अगर कहीं भी लगाव होता तो बुद्धि भटकेगी। बैठेंगे बाप को याद करने और याद वही आएगा जिसमें मोह होगा। किसी का मोह पैसे में होता है, किसी का जेवर में, किसी का किसी संबंध में। जहां भी होगा वहां बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। स्लोगन है प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी भाग जाएगी। प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।